गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, दो पार्ट्स में हम उसे आपके डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। वो है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जिसे न्यू इशू मार्केट कहा जाता है, और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट जिसे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। और इन्हीं को हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट में। जो ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट है उसमें आपके न्यू इशू मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और डेप्ट मार्केट आ जाती है। जो ये डेप्ट मार्केट है ये अलग से कंपोनेंट नहीं होता है, जो आपकी सेकेंडरी मार्केट है उसी में फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, जो एक इक्विटी में डील करता है और एक डेप्ट में डील करता है। जो न्यू इशू मार्केट है उसे प्राइमरी मार्केट भी कहा जाता है। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, जो डील कर रही है न्यू इशू से। न्यू इशू का मतलब जब कोई कंपनी जो न्यू है या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी फर्स्ट टाइम इशू निकालती है अपने शेयर्स का, तो वो प्राइमरी मार्केट में निकालेगी, क्योंकि वो नया इशू निकाल रही है, फर्स्ट टाइम इशू निकाल रही है, इसीलिए उसे न्यू इशू मार्केट कहा जाता है। और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट भी आप कहते हैं। सेकेंडरी वर्ड, सेकेंडरी वर्ड से क्या समझते हैं आप, कि जहाँ पे सेकेंड टाइम हो रहा है, मतलब ये वो मार्केट है, वो प्लेस है जहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, जो एक बार इशू हो चुकी है, उसे आप बाय और सेल कर रहे हैं, उसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। डेप्ट मार्केट में जो भी डेप्ट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, उसमें आप डील करते हैं। और इक्विटी मार्केट में जो भी इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए, उसमें आप डील करते हैं। तो जो सप्लायर्स होंगे फंड्स के ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट में, वो कौन कौन हो जाता है? गवर्नमेंट आ जाती है इसमें, बैंक्स, कॉर्पोरेट यूनिट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स आ जाते हैं। जबकि जो बोरोवर्स ऑफ फंड्स हैं, मतलब जो बोरो करता है, उसमें गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट यूनिट्स आ जाती है। जो सप्लायर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट में, उसमें जो आपके प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं, इंडिजीनियस बैंकर्स, महाजन साहूकार्स आ जाते हैं। और जो डिमांड होती है वो जो आपके फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, कंजम्पशन के लिए उनकी डिमांड होती है। ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट के साथ जो शेयर है अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट का, वो डिक्रीज हुआ है। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कैपिटल मार्केट के, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और डेप्ट मार्केट, आप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला है हमारा, दैट इज़ प्राइमरी मार्केट, जिसे न्यू इशू मार्केट कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि प्राइमरी मार्केट डील करती है न्यू सिक्योरिटीज़ में, वो सिक्योरिटीज़ जो फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफ़र की जा रही है, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी भी ऑफ़र कर सकती। प्राइमरी मार्केट मार्केट होती है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, जहाँ और कैपिटल मार्केट कहाँ है, जहाँ पे आप अपनी लॉन्ग टर्म फंड्स की नीड को पूरा करते हैं। तो जो मार्केट है इसमें इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें फ्रेश कैपिटल चाहिए। और इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो नए भी हो सकते हैं और वो एग्जिस्टिंग कंपनीज भी हो सकती हैं। वो इंडिविजुअल, वो इंस्टीट्यूशंस जिसके पास सरप्लस मनी पड़ी है, वो अपनी जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स में और अदर सिक्योरिटीज जो कंपनीज और गवर्नमेंट इशू करती है। प्राइमरी मार्केट सिर्फ और सिर्फ डील करती है न्यू सिक्योरिटीज़ में जो इशू हो रही हैं फर्स्ट टाइम। और जो इशूअर है वो नई कंपनी भी हो सकती है और एग्जिस्टिंग कंपनी भी हो सकती है, और किसी भी फॉर्म में उसे इशू किया जा सकता है। जो शेयर्स हैं जो या जो सिक्योरिटीज़ है कंपनी की, उसे किसी भी फॉर्म में इशू किया जा सकता है। जो फ्लोटेशन है, जिसे इशू को हम फ्लोटेशन कहते हैं, जो इशू है उसके मेथड्स हैं, चाहे आप पब्लिकली कर सकते हो इसको, प्राइवेटली कर सकते हो, या राइट ऑफर की फॉर्म में आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर सकते हो। तो प्राइमरी मार्केट को अभी हमने जो पूरा डिटेल किया, यहाँ से क्या समझ के आया कि जो प्राइमरी मार्केट है उसे न्यू इशू मार्केट कहा जाता है। तो जो मार्केट है इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला, रिलेटेड विद न्यू इशू। प्राइमरी मार्केट डील करती है सिर्फ न्यू इशू से। जब भी कोई कंपनी न्यू इशू निकालती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। और अगर आप फर्दर ऑलरेडी लिस्टेड हो, लिस्टेड मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी कंपनी एडमिटेड है, और जो भी इशू आप शेयर्स का या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का उसके बाद निकालते हो, न्यू इशू के बाद आप जो भी इशू निकालते हो उसे एफपीओ कहा जाता है। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक
ऑफर। दूसरा है नो फिक्स जियोग्राफिकल प्लेस, प्राइमरी मार्केट की कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ पे इसका काम होता है। जो भी इसका पूरा प्रोसेस, जो भी इसकी एक्टिविटीज़, जो भी सर्विसेज प्राइमरी मार्केट में होती हैं, वो ओवर द टेलीफोन या ओवर द इंटरनेट या थ्रू वेरियस पब्लिकेशंस होती हैं। नेक्स्ट इज़ योर वेरियस मेथड्स ऑफ रेजिंग कैपिटल। प्राइमरी मार्केट में वेरियस मेथड्स हैं फंड्स रेज करने के, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर हो गया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हो गया, राइट शेयर्स हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट आता है कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट पहले आती है और सेकेंडरी मार्केट बाद में आती है। जैसे कि हमने बात की कि प्राइमरी मार्केट क्या है, वो मार्केट जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम इशू निकाल रहे हो। जब एक बार फर्स्ट टाइम इशू निकल गया तो अब वो सिक्योरिटीज़ क्या बन गई, एग्जिस्टिंग बन गई। अब उन सिक्योरिटीज़ को आप सेकेंडरी मार्केट में डील कर सकते हो। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो प्राइमरी मार्केट है वो सेकेंडरी मार्केट से पहले आती है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल। जो प्राइमरी मार्केट है वो गवर्न और रेगुलेट, उसे सेबी करती है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट है, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी मार्केट है वो रेगुलेट होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इशू मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। क्या इस टॉपिक को आप और किस नेम से जान सकते हैं, वेरियस मेथड्स ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट या वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। तो जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। सबसे मोस्ट कॉमन मेथड और पॉपुलर मेथड जो है कैपिटल रेज करने का जनरल पब्लिक से है, वो है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। इसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को कि वो उसके शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करे। किस तरीके से इन्वाइट करती है, प्रोस्पेक्टस से। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी से रिलेटेड वेरियस इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कंपनी का नेम, एड्रेस, उसके डायरेक्टर्स का, प्रमोटर्स का, ऑडिटर्स का, बैंकर्स, ब्रोकर्स का नेम, एड्रेस, डेट ऑफ ओपनिंग, क्लोजिंग, जो भी सब्सक्रिप्शन आपकी कब लिस्ट है, कब आपका ऑफर ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, क्रेडिट रेटिंग क्या है जो आपने ऑब्टेन की है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, एक्सेट्रा, जैसी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती हैं। प्रोस्पेक्टस में कंपनी जो है वो अपनी डिटेल्स लिख के, अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी डिटेल्स लिख के कंपनी पब्लिक को बताती है कि हम अपनी जो शेयर्स हैं वो इशू कर रहे हैं और वो इस डेट से इस डेट तक ओपन और क्लोज है, तो अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी कंपनी फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स निकाल रही है या कन्वर्टेबल डिबेंचर फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए निकाल रही है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाएगा। एक कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है इशू कर सकती है शेयर्स डिबेंचर्स पब्लिक को, लेकिन जब वो न्यू इशू के बाद इशू करती है तो उसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहा जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा दैट इज़ ऑफर फॉर सेल मेथड। इस मेथड के अंदर जो कंपनी है वो जो अपने शेयर्स है वो इशू करती है इंटरमीडियरीज को, जैसे इशूइंग हाउस हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, या इशू को वो अंडरराइट भी करवा सकती है। अंडरराइटिंग का क्या मतलब होता है, अंडरराइटिंग में क्या होता है, एक पर्सन या एक जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ आप एग्रीमेंट करते हो, कंपनी एग्रीमेंट करती है अंडरराइटिंग कंपनी के साथ, वो पर्सन वो इंस्टीट्यूशन जो अंडरराइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है उसे अंडरराइटर कहा जाता है। तो जो इशूइंग कंपनी है वो एग्रीमेंट करती है अंडरराइटर के साथ। एग्रीमेंट में क्या होता है, अंडरराइटर ये एग्री करता है कि अगर आप जो ये इशू निकाल रहे हो अगर पब्लिक ने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उसे सब्सक्राइब कर लूँगा। एक तरीके से वो आपको गारंटी देता है कि जो आपका जो भी ऑफर है पब्लिक इशू का वो फुली सब्सक्राइब होगा। तो जो ऑफर फॉर सेल है यहाँ पे जो इशू है उसे आप अंडरराइट भी करवा सकते हो। यहाँ पे जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ है टू स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज में जो कंपनी है वो इशू अपनी सारी सिक्योरिटीज़ किसे कर देती है, इशू हाउस या स्टॉक ब्रोकर्स को एग्रीड प्राइस पे कर देती है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में जो इशू हाउस या स्टॉक ब्रोकर है वो इन सिक्योरिटीज़ को रीसेल करता है जो भी अल्टीमेट इन्वेस्टर्स हैं उनको। तो जो डिफरेंस है जिस रेट पर, जिसे हम परचेज प्राइस कह रहे हैं, जिस रेट पर जो इशूइंग हाउस है उसने खरीदी हैं सिक्योरिटीज़ कंपनी से
और जिस प्राइस पर वो उसे रीसेल कर रहा है अल्टीमेट इन्वेस्टर्स को, उसके जो बीच का डिफरेंस होता है वही जो होती है वो इनकम होती है, जो भी आपका इशूइंग हाउस है उसका। लेकिन वो जो पैसा उसने अर्न किया है उससे वो अपने वेरियस एक्सपेंसेस जो हैं वो उससे मीट आउट करती है, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट भी अर्न करती हैं। तो जैसे अंडर राइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा जो हैं वो यहाँ से मीट आउट होते हैं। थर्ड जो मेथड है आपका, दैट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, जो इशूइंग कंपनी है वो इशू करती है शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो भी आप निकाल रहे हो वो एज पर प्रोविजंस ऑफ सेबी, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2000 निकाले जाते हैं। और ये जो प्रोविजंस हैं वो कंडीशन लगाते हैं इशूइंग कंपनी को रिगार्डिंग किस प्राइस पे आप निकाल सकते हो, लॉक इन पीरियड क्या होगा, पब्लिक डिस्क्लोजर क्या होगा। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है, कंपनी अगर कोई शेयर्स इशू कर रही, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है कि सपोज कंपनी है वो एक बार अपना इशू जो निकाल चुकी है, उसके बाद वो अगेन अगर इशू निकालना चाहती है तो उस इशू को अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन उसे पहले जो ऑलरेडी उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ऑफर करना पड़ेगा कि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं न्यू इशू के लिए तो आप कर सकते हैं, उसी को हम राइट इशू कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जब कंपनी इशू निकाल रही है शेयर्स का या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो वो कौन से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को निकालेगी, वो एक पर्टिकुलर डेट सेट करती है कि इस डेट को जो उनका शेयर होल्डर है अगर वो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग इन द सेंस कि इस डेट को अगर वो उस कंपनी का शेयर होल्डर है तो उसे हम राइट शेयर्स ऑफर करेंगे। वो जो पर्टिकुलर डेट है उसे रिकॉर्ड डेट कहा जाता है। तो राइट इशू ऑफ शेयर्स में पर्टिकुलर रेशो में जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें सिक्योरिटीज ऑफर की जाती हैं। जो कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है शेयर्स अगर वो रेज करना चाहती है कैपिटल टू फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, तो ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफर करना पड़ेगा। और अनलेस, ये किस केस में नहीं होगा, जो कंपनी है वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन उसके रिगार्डिंग पास नहीं करती है। राइट इशू हेल्प करता है कंपनी को कंट्रोल बचाने के लिए। कंट्रोल बचाने के लिए किस सेंस में, कि जो कंट्रोल है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के हाथ में ही रहे, ये जो पॉसिबल हो पाता है वो राइट इशू की वजह से हो पाता है। और जो एक्सपेंसेस हैं राइट इशू के केस में वो कम आते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक इशू। नेक्स्ट जो है दैट इज बोनस इशू। जब जो इश्यूअर है वो इशू कर रहा है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स बिना उनसे कुछ लिए, बिना किसी कंसीडरेशन के, बेस्ड ऑन दी कि उनके पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं, तो उसे हम बोनस इशू कहते हैं। एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कंपनी इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स, तो उसे बोनस इशू कहा जाता है। जो शेयर्स इशू करती है कंपनी ये अपने फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा है उसे वो यूज़ करके इशू कर सकती है। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट इशू। जब जो कंपनी है इशू कर रही है शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, कोई भी लिस्टेड इशूअर जो है वो इशू कर रहा है, पब्लिक इशू भी निकाल रहा है और राइट बेसिस पे निकाल रहा है, तो उसे पब्लिक कम राइट बेसिस कह सकते हैं। और जहाँ पे जो अलॉटमेंट है वो पब्लिक इशू और राइट इशू के लिए आपने प्रपोज साइमल्टेनियसली कर रहे हो तो उसे कंपोजिट इशू कहा जाता है। ये कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक इशू और राइट इशू का। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसके अंडर जो कंपनी है वो अपने होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफिसर, एम्प्लॉयज जो हैं कंपनी को, उनको शेयर्स इशू करती है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो कम होता है मार्केट प्राइस से। और ये जो स्कीम है वो वॉलंटरी बेसिस पे ऑफर की जाती है। जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का वो क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के उनके अंदर बिलोंगिंगनेस की सेंस क्रिएट करना।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व्ड इन द इशू प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट, इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.